फ़ोन ले लिया भाई, ये रहा जिसके लिए फ़ोन लिया था, दांत फाड़ी जा रहा, फ़ोन देखा तो भाई 35,500 का पड़ गया भाई, एक रुपये ऊपर नहीं, एक रुपये नीचे नहीं। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज क्या है भाई, आज ऐसा प्लान है अपना कि बहुत पहले आपको पता ही है, जैसे मैंने अपने छोटे भाई का मेरे से फ़ोन टूट गया था तो उसके पीछे बहुत लड़ाई हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक आ जाएगा, आप वो वीडियो देखना। और आज मैं सोच रहा हूँ अपने छोटे भाई को ना एक फ़ोन दिलाऊँ। तो वैसे तो मेरा प्लान था कि यार कोई अच्छा सा फ़ोन दिला दूँ, बार बार फ़ोन लेने के झंझट से एक बार ख़त्म ही हो जाऊँ। तो मैंने हर जगह पता किया भाई, वन प्लस के फ़ोन भी ट्राई किए, मतलब बहुत सारे फ़ोन देखे तो कुछ मज़ा से नहीं आया। फिर मेरे को ना एक XS Max आईफोन का वो मेरे को एक जगह मिला और उसका प्राइस थोड़ा ओवर है, बट मैं उसे देखने जा रहा हूँ। अगर मेरे को पसंद आ गया तो हम बाई कर देते हैं और अपने छोटे भाई को मैं सरप्राइज़ दूंगा, देखते हैं क्या उसका रिएक्शन रहता है। मतलब उसके लिए उसने डिमांड की 10 से 15 या 20 हज़ार के फ़ोन के लिए, और एकदम से उसके पास और ऊपर कॉस्ट का फ़ोन आ जाए तो उसका क्या रिएक्शन रहता है, तो आज हम वो नोट करेंगे। तो उससे पहले हम दोनों भाई फ़ोन लेने के लिए, मेरा फ़ोन आएगा, इसे सरप्राइज़ दे रहा था बट सरप्राइज़ कैंसिल हो गया क्योंकि उसने कहा कि भाई जो फ़ोन को पसंद वो दिला दे, मैं आपको सोचूँगा। तो मैंने कहा भाई एक साथ लेके जाता हूँ। ये मेरा पुराना वेगा वाला हेलमेट, मैं से लंबी हाइट होती जा रही थी, और ये मेरा नवा एक्सोर होगा। तो भाई कैसे लगे, चलते हैं बाइक के ऊपर और देखते कौन सा फ़ोन पसंद आता है और कौन सा हम लेकर। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे दोनों भाई भाई फ़ोन लेने के लिए, और जो सरप्राइज़ प्लान कर रखा था भाई मैंने उन्हें कैंसिल कर दिया क्योंकि पिछली बार सरप्राइज़ थोड़ा ख़राब हो गया था, उसे फ़ोन पसंद नहीं आया था बेसिकली बताऊँ तो। तो अभी मैं इसे खुद लेके जा रहा हूँ और जो फ़ोन पसंद आ गया वही लेके आएंगे भाई। तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता, गैस नहीं कर सकता कौन सा फ़ोन लेने वाला है क्योंकि मेरे को कोई पता नहीं है, आपको पता होगा हमने कौन सा फ़ोन बाई किया है। चलते देखते कौन सा फ़ोन इसे पसंद आता है, आज इसकी भी खुशी। यार मैंने बहुत पहले फ़ोन तोड़ दिया था ना, जिसकी वजह से भाई बहुत दिक्कत होगी, अगर फ़ोन नहीं टूटता मेरे से तो आज हम मेरे को इतने पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ते। तो मास्क में ना जो दम घुटता ना भाई, वो अलग ही लेवल का यार भाई, सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है ना, और ऊपर से जो गर्मी हो रही है और उससे उमस होती है भाई हेलमेट के अंदर, वैसे सांस लेना और टफ हो जाता है। ये भी टास्क है यार बात करते करते बाइक चलाने का, यहाँ पर ऐसे हाल है, सोचो लेह लद्दाख में कैसे हाल होंगे भाई इस टाइम। हाय गर्मी बहुत है, होम नो सिवाय। तो भाई एंगल ठीक आ रहा कि नहीं, अरे कल की तरह मतलब हैंडल ही हैंडल ना आ जाए, ये भी एक दिक्कत है। तो पहले एंगल सेट कर लेते हैं, हाँ परफेक्ट आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सा फ़ोन लेने जा रहे हैं, अभी कुछ आइडिया नहीं है, छोटे भाई को पता है उसने कौन सा लेना, बट अभी मैं सरप्राइज़ प्लान है आपके लिए, मतलब सरप्राइज़ है ये बेसिकली, बता नहीं रहा मैं कि कौन सा फ़ोन हमारा प्लान कर रखा है लेने के लिए, और वहीं जाके देखते भाई कौन सा हमारे बजट में बैठता है। बजट भी भाई हमारा छोटा मोटा, ये ज़्यादा बड़ा बजट नहीं है, तो एक ये भी तो है, बट कोई नहीं यार, उस बजट के अंदर अंदर मैंने फ़ोन लेना किसी भी हाल में, और आपको जैसे फ़ोन लूँगा तो उस टाइम आपको अपना बजट बता दूंगा। हाँ अभी हिंट दे सकता हूँ कि मैं जितने पैसे मेरे पास अभी है तो मैं हीरो नाइन गोप्रो जो है ना आराम से ईजिली बाई कर सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ इस टाइम पर, ठीक है। इतने मनी है मेरे पास, तो कहते हैं ना मनी करंट बाई हैप्पीनेस, तो वही वाला सिस्टम है भाई। अब मेरा मन तो है नहीं गोप्रो लेने का, क्योंकि और क्वालिटी आ नहीं रही, जब तक मैं लैपटॉप नहीं लेता मैं कोई गोप्रो अपना अपग्रेड नहीं करने वाला। तो बहुत सारे बंदे कहते हैं भाई आपकी क्वालिटी आ नहीं रही, इंप्रूवमेंट करो, तो रीज़न यही है भाई कि गोप्रो और मेरे कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम जो है वो है भाई मेरी एडिटिंग जो मेरा डिवाइस है उसके ऊपर है, क्योंकि उससे क्या होता है यार पिक्सल फट जाते हैं, तो मेरे को एक बड़ा लैपटॉप लेना पड़ेगा जिसकी प्राइस कम 60,000 अबव हो, उसके बाद बेस्ट क्वालिटी एडिटिंग हो पाएगी, और तब तक के लिए भाई मेरे को ये आईफोन से एडिट करना पड़ता है। और आईफोन भी ऐसी बात नहीं कि भाई पिक्सल फाड़ता, काफ़ी अच्छे पिक्सल में देता है, पर वही है कि यार जो लैपटॉप में पिक्सल आते हैं ना वो छोटे डिवाइस में नहीं आते यार, चाहे जितना मर्जी कॉस्टली हो, तो पिक्सल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इन सब चीज़ों में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार फटाफट से एक लैपटॉप ले लूँ, अभी तो भाई फिलहाल अभी जो ये भाई का फ़ोन तोड़ा था उसकी वजह से अभी थोड़ा भरपाई करनी पड़ रही है, जैसे ये फ़ोन का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, भरपाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं लैपटॉप में इन्वेस्ट करूँगा, और जल्दी आपके लिए लैपटॉप भी आएगा, उसके बाद तो भाई अपना सारे एक्शन कैमरा जो भी मेरे को चाहिए उसके बाद वो भी लेते रहेंगे। जब तक अपग्रेड वाला डिवाइस नहीं है ना कि भाई जहाँ से तुम आप एडिट करो और पिक्सल अच्छे वाले आ जाए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई कि यार वो चीज़ लो करना उसका, जब भाई बाद में जब आप एडिट करोगे पिक्सल फट जाएंगे आएगी भाई वही एच डी कैम वाली क्वालिटी। मैंने देखा है बहुत सारे बंदों के है गोप्रो 9 है, बट वो जब वो एडिट करके उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई वही मतलब एकदम फटे पिक्सल आते हैं, क्वालिटी आती है, तो कुछ मज़ा सा नहीं आता यार, ऐसे इससे बढ़िया तो भाई ना ही लो। तो मेरी क्वालिटी ज़्यादा ज़्यादा मर जाती है भाई जिसकी, वो है अपना फ़ोन जो एडिटिंग करते हैं उससे अपनी वीडियो क्वालिटी वो मर जाती है, तो उसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भाई जो कुछ टाइम बाद मैं लैपटॉप भी बाई कर लूँगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ नहीं ले रहा भाई सेकंड हैंड ले रहा हूँ, तो सेकंड हैंड जो फ़ोन है देखते कैसा मतलब किस रेंज में ले पाता हूँ मैं। तो भाई 2 मिनट के बाद हम पहुंचेंगे भाई सेक्टर, और यहाँ से हमें देखो बहुत सारी मार्केट है फ़ोन की, मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता रखा है, जब रंजीत भाई के बारे में हम आईफोन लेने गए थे वहाँ पर सीन क्या हो गया कि उनके जो डॉक्यूमेंट थे अप्रूव नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी फाइनेंस नहीं कराया भाई जिस जो उनके एक्चुअल एज है अभी तक, और फिर जितने फाइनेंस कंपनियाँ थी भाई देने से इनकार कर रही थी कि यार नहीं आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल भी नहीं है, 0 है, तो हम आपको अपना कोई भी बड़ा ब्रांड का फ़ोन हम आपको नहीं दे सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया भाई, 100 रुपये की पर मंथ की किस्तें बना के रेडमी का फ़ोन लिया कड़ा के, 18,000 रुपये का फ़ोन था, 16,000 रुपये हम दे के आए थे, तो ऐसे कुछ करके भाई फाइल चार्ज जोड़ लगा के 19:30 तक बैठ गया था, 18:30 तक बैठ गया था वो, तो वो सब लेके आए भाई हमारा 1,000 रुपये की, सॉरी 100 रुपये की हमारी पर मंथ की वो बनी थी किस्तें,
और वो फोन लेने के बाद भाई हमें अल्टीमेट मतलब एक सुकून मिला था कि एटलीस्ट यार चलो किस्त के चक्कर में हमने क्या कर दिया। दुकान वाले भी कह रहे भैया 2000 की बात है दे दो, हमने हमारा सीन यही था कि भाई 2000 की बात नहीं है, बात ये है कि बात ये था कि हमें किस्तों पे फोन लेना था ताकि हमारा क्रेडिट स्कोर बन जाए। और पीछे पुलिस वाले खड़े रखे थे चेकिंग कर रहे थे गाड़ियों की, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और बाइकों में कुछ भी आप ला नहीं सकते, बट मतलब बाइक में आप कुछ भी लाओगे तो दिख जाएगा, बट गाड़ियों में जो लाएंगे आप पता लग जाता कि भाई कुछ सामान आ रहा है जो इलीगल है, तो उसके लिए भाई चेकिंग पूरी चल रही है चारों तरफ से, मतलब चंडीगढ़ पूरा मतलब एकदम से लॉक रखा है। आगे हम बाइक की मार्केट में और यहाँ से लेना हमें टर्न, जल्दी ऑटो के सारे ले देते हैं तो गाड़ी वाला ठोक देगा। यहाँ पर अपनी टिकट कटेगी और फिर वापस हम पार्किंग पे अपनी बाइक लगा सकते हैं, कहीं पर भी कोई चलानी होगा नहीं तो आपकी बाइक बॉन्ड हो जाएगी अगर आप पार्किंग की पेमेंट नहीं करोगे। बहुत कड़े नियम है भाई यहाँ के यार। कितने पाँच में हो जाएगा लो, दो पर्ची दे दो, मैं कहीं वहाँ से निकल जूँ। ओह थैंक यू भाई। विदाउट पर्ची 5 रुपये की पर्ची, और अगर आप पर्ची लेते हो 6 रुपये, 1 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैं कहा नहीं भाई मैं वहीं से भी निकल सकता हूँ, मेरा कुछ भरोसा नहीं, मैं कहीं भी टर्न हो सकता हूँ। तो यहाँ पर एक शॉप है, पहले यहाँ पता करके आ जाते हैं रेट वगैरह, क्योंकि रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम लास्ट में वहाँ जाएंगे जहाँ हमें जाना है, जहाँ प्राइस सही लगा वहीं से हम बाई कर लेंगे। तो नॉर्मली एक एक्सप्लोर टाइप का मैं रखूँगा कि देखाते पहले हम खुद देखाते जहाँ सही प्राइस बैठेगा वहीं हम वीडियो बना लेंगे, तब तक आप वेट करो। तो यार हम ना गलती से पीछे आ गए थे, एसयू नंबर जो 101004 वो आ गया, वहाँ जाना था, हम गलती से साइड आ गए। पर यहाँ पर एक भाई मिला, हमने पूछा भाई एक्सेस चाहिए, तो भाई कह रहा कैश चाहिए, मैं कहाँ पे कैश चाहिए, तो कहता भाई अभी मिल जाएगा 64 GB कह रहा भाई 34,000 रुपये का। मैं कहा भाई क्या दिखा रहा है इतना महंगा थोड़ा एक्सेस, फिर भी यार छोड़ो बंदे ने दिखा दिया था हमें, हमने भी तसल्ली कर ली, हमें मज़ा नहीं आया। तो अभी जो शॉप है पुरानी उस पर चल रहे जहाँ हम गुरजीत का हमने नंबर मांगा था, वहीं जाके देखते हैं। जब हमने फोन पता किया था वहाँ पर प्राइस भाई बहुत ज्यादा ओवर बोल रहे हैं, लिया नहीं भाई अभी प्रिंस को पता फोन पसंद आ गया, तो भाई कौन सा फोन लेना तूने? आईफोन एक्सेस। अब दूसरी जगह पे ट्राई करेंगे हम जाके, तो फिर देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं भाई। सोच देखो अभी देखो, मतलब मैंने भी बड़ी औखा होगा भाई आईफोन 11 लिया, इसका एक्सेस भाई स्टार्टिंग में ही, अभी कितने साल गए भाई तू? मैं 16 साल का एक्सेस चलाएगा। क्या हुआ भाई, क्या हुआ जो फोन तूने दसवीं में लिया? ज्यादा राज नहीं खोलने मेरे बारे में। कैसा है ये सफर, मंजिलों सफर कैसा है ये सफर। मैंने फोन ले लिया भाई, ये रहा जिसके लिए फोन लिया था, दांत फाड़ी जा रहा, फोन देखा तो भाई 35,500 का पड़ गया भाई, 1 रुपये ऊपर नहीं 1 रुपये नीचे नहीं भाई ये वाला, नहीं बिल्कुल कम नहीं गया भाई, 1 रुपये भी कम नहीं किया। पर कोई नहीं यार मिल गया हमें तो भाई, डील से मतलब है भाई। एक्स एक्स है 256 स्टोरेज वाला भाई, एडिटिंग के लिए चाहिए था देख लो प्रिंस, उसका मास्क की बड़ी दिक्कत है, मास्क लगा पहले चल, मास्क लगा भाई, चलान ना कटवा दियो, सारे पैसे तो नहीं यहाँ लगवा दिए। इसका एक फ़ोन तोड़ा मैंने, गलती कर दी भाई, मैंने आज ऐसे बोल दिया कि भाई तेरे को जो फ़ोन पसंद है वो दिलाऊंगा, देख हंसी देखो इसकी भाई, जो फ़ोन पसंद था वो उसके चक्कर में देखो कितना महंगा फ़ोन दिलवा लिया इसने, मास्क लगाने का स्टाइल। छोड़ना तो बस अटका दे यहीं पर बस 2 मिनट चल भाई, फ़ोन ले लिया भाई, इतना महंगा फ़ोन ले लिया ना कसम से, सेकंड हैंड में भाई इतना महंगा पड़ गया। चल कोई नहीं यार, किसी की जो खुशी होती है ना उसके आगे प्राइस कम पड़ जाता भाई, मतलब प्राइस लेस है वो चीज़, जहाँ भाई को खुशी मिल रही है उसके लिए तो भाई 35 के हम और फूकने के लिए तैयार थे। बट जो भी था अभी आपको फ़ोन दिखाता हूँ मैं और भाई के स्माइल दिखाता हूँ, अभी थंबनेल भी तो लेना है, थंबनेल भी लेते हैं और फिर आपको बताता हूँ मैं इसके क्या रिएक्शन रहते हैं और एक क्या बोलता है वो भी दिखाता हूँ मैं भाई, मतलब एक अलग लेवल था। मैं चाह रहा था यार इसे सरप्राइज दूँ, पर फिर बाद में याद आया कि यार मैं पिछले बार ऐसे ही सरप्राइज देने के चक्कर में से फ़ोन पसंद नहीं आया, तो जो रियलमी था वो भी सरप्राइज दिया था पर उसे पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने इस बार इसे खुद लाया। मैं कहा भाई जो तेरे को पसंद है पता कर ले, कसम से भाई इस बंदे ने 20 दुकानें मेरे को इधर से उधर भटका दिया, तब जाके एक फ़ोन पसंद किया वो भी ये वाला, मतलब पूरे ये लगा लो कितनी देर से ढूंढी जा रहा भाई मैं, तब जाके एक फ़ोन पसंद आया इसे, तो ये ऐसे इसलिए भाई मैं इसे स्पेशली उठा के लाया था। तो चलते फटाफट घर और भी घर वालों के रिएक्शन भी देखने भाई, वहाँ से गालियाँ पड़ेगी अभी कि छोटे भाई को बिगाड़ रहा पड़े साथ, खुद तो बिगड़ गया छोटे भाई को बिगाड़ ले। तो यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पार्क में रुकने से बढ़िया ना घर जाता हूँ, आराम से घर में दिखाते फ़ोन को और घर वालों को थोड़ा बहुत रिएक्शन लेते अगर ले पाया मैं तो। पर प्रिंस का रिएक्शन आपको जरूर दूंगा, थंबनेल में आप समझ ही गए होंगे, प्रिंस को आज गिफ्ट दे दिया भाई एक छोटा सा, वैसे मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी यार, एक इतने पैसे जोड़ के ना फ़ोन दिलाना,
बट फिर भी दिलाई दिया। तो आप जरूर कमेंट करना कि ऐसा सरप्राइज आपको कैसा लगा, मतलब छोटे भाई को लेके गया मैं साथ में। वैसे मैं चाह रहा था ऐसा सरप्राइज दूँ, पर फिर बात वही आ जाती है बाद में कि यार ये कहता मैं कोई चीज़ पसंद नहीं है, फिर खुंदक बड़ी आती है जब कोई सरप्राइज दे और बाद में कहे कि मैं कोई चीज़ पसंद नहीं है, फिर मूड खराब हो जाता है। इसलिए भाई इस बार साथ में लेके गया था मैं ऐसे स्पेशली। आज भी वीडियो बनाने गया, दोबारा बारिश होगी, देख लो अभी भी घर आया मैं। अभी भाई पता नहीं क्या सीन है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ मोटो ब्लॉग करने या फिर कुछ भी काम कराने भाई बारिश हो जाती है। तो अच्छा हुआ मैं पहले कर आ गया, ये हमारा कैमरा है, अब हम इससे सारा डाटा निकालेंगे और आपके लिए ब्लॉग रेडी करते हैं। और छोटे भाई को फ़ोन लिया, अभी वो जस्ट थोड़ा जा रहा है अपने दोस्तों को फ़ोन दिखाने के लिए, जैसे वो आएगा उसके बाद हम ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। वाला फ़ोन लेके आए भाई हम 35,500 का, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया। और ये है एक्सेस 256 स्टोरेज भाई, बेसिकली लेने का मोटिव यही था कि अभी जब कहीं राइड पे जाऊंगा तो दिक्कत ना हो, तो इसमें स्टोरेज में एडिटिंग करने में इजी रहेगा। और इसको भाई ये भाई इसने मतलब बहुत बड़ा चूना लगा दिया इस फोन के चक्कर में, मतलब देखो मैंने कहा जो फोन पसंद है उसमें हाथ रख, भाई इस पे हाथ रख दिया इसने, और कोई फोन पसंद ही नहीं। वहाँ पर वन प्लस था, वन प्लस मैंने कहा वन प्लस चेक कर लेकर इसने था, वन प्लस का चाहिए नहीं, पहले स्टार्टिंग में चाहिए था वन प्लस का, वो तो था नहीं उसमें 80, पहले वन प्लस लेने गए थे 80 वो मिला नहीं, फिर उसने यही देखा और कह रहा भाई ये ठीक है, स्टोरेज उसमें काफ़ी अच्छा था, प्राइस भी सेम ही था वन प्लस और इसका, तो हम ये वाला उठा के लाए। और फोन तो ओके भाई देख लो एक बार, ज्यादा अच्छा कैमरा लग रहा है तो है नहीं मेरा है। तो फिर जब इसने मेरा फोन तोड़ा था तब मुझे लगा कुछ अब होगा नहीं मेरे फोन का, ना इसने मुझे अपना Redmi Note 8 दिया, तो फिर मुझे लगा कुछ नहीं होगा ना, मैं बस वो Samsung वाला चला था छोटा सा फोन, उस वो तो अटक ही जाता था। तो फिर उसके बाद इसने आज लेके गया मुझे ये फोन दिलाने, और भाई मैं क्या बोलूँ, फिर मेरे को उम्मीद नहीं थी ये वाला फोन दिलाएगा, क्योंकि इसने Redmi Note 8 तक को हाथ तक नहीं लगाने दिया, तो फिर बस दिला दिया। उम्मीद नहीं थी कि मैं आईफोन जो एक्सेस है वो दिला दूंगा, क्योंकि मैंने अपना रेडमी वाले तक टच नहीं करने दिया, क्योंकि भाई उनको भरोसा है कि फोन को ना ऐसे पकड़ के ऐसे उसे गर्दन मोड़ देता है ना कि भाई फोन दोबारा चलेगा नहीं कभी भी। तो इसने ऑलरेडी 3 फोन तोड़ रखे ऐसे, और चौथी बार मैं इसलिए डिस्प्ले उसकी दिला नहीं देता, इसमें दोबारा तोड़ देना, इसने इस बार ये दिलाया। थोड़ा डर तो है यार, महंगा फोन है टूटेगा तो उसका रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो भाई इस बार तो मैं लगाऊंगा नहीं, मैंने बोल दिया भाई जितना है लगा रहा हूँ, उसके बाद तेरी मर्जी उसे तोड़ संभाल के रख, जैसा मर्जी कर मेरे को नहीं मतलब। तो आज की वीडियो में यहीं पर एड करते हैं, मिलते हैं सर्वे में, टेक केयर, बाय बाय। लाइक कमेंट एंड शेयर, शेयर तो होएगा नहीं कोई करेगा नहीं, पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और जल्दी एक राइड प्लान करने वाला हूँ, रुक जा भाई जल्दी एक राइड प्लान करने वाला हूँ, जिसके लिए एडिटिंग के लिए 256 स्टोरेज है, इसी में एडिट करूंगा और इसी से पोस्ट होएगी वीडियो। इस वाले जो मेरा अभी जिससे मैं एक्चुअली करता हूँ उसमें 180 स्टोरेज है, जिसकी वजह से दूसरा अपग्रेड करना पड़ा, 128 स्टोरेज है। चल ठीक है, बाय 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 बाय।